शीतल जी, शीतल जी, आपने भी करीब से देखी है बीजेपी और पूरी राजनीति आपने करीब से देखी है। एनके सिंह जी ने एक लाइन में पूरा निपटा दिया, जबकि मुझे पता है कि वो बहुत करीब से उन्होंने उनका विजन देखा था। पूरा जो नुकसान हो रहा है, पूरे टोटल देश का नुकसान हो रहा है, बीजेपी का नुकसान हुआ। दूसरा, शीतल जी, मोदी जी एक छवि बनाने के चक्कर में थे, पूरे दुनिया में वो नोबेल पुरस्कार वाली विश्व दूत, शांति दूत की छवि बनाने के थे, लेकिन क्योंकि इतना रिस्क कोई नहीं ले सकता था कि आप विदेश से लौट रहे हो सीधा बिना सूचना क्या पाकिस्तान में हवाई जहाज उतार दें, नवाज शरीफ जी की माँ को पैर छू लें, हमको हैप्पी बर्थडे कह दें। एक एक विजन करना चाहते थे कि मैं अब सबसे ऊपर उठ गया हूँ, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के बन गया हूँ, मैं दुनिया में शांति की बात करने वाला नेता हूँ। इस अकेले बयान के बाद मचे बवंडर में मोदी जी का खुद का और देश का कितना नुकसान हुआ, और क्या रिपेयर हो पाएगा वो? और एक चीज और, क्या बीजेपी रिपेयर करना चाहेगी? देखिए, मोदी जी का ये जो फियास्को हुआ है, इसके पहले अमेरिका में, इसके पहले ये बात वहाँ की जो मानवाधिकार की एजेंसी है, जो वहाँ की संसद को रिपोर्ट करती है, उसने बार बार भारत के मामलों को, और भारत के मामलों में जो ये हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके विरुद्ध एक वातावरण निर्मित करना, उनके विरुद्ध हिंसा प्रायोजित करना, उनके विरुद्ध प्रशासनिक दमन करना, इन सब चीजों पर आवाज वहां बहुत सारी उनकी रिपोर्ट्स में लगातार उठ रही थी। और इस घटना से पहले आपको याद होगा, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके, जो एक रिपोर्ट है उनकी, जिसमें बाकायदा भारत को इंडिक्ट किया गया है नाइजीरिया और इस जैसे एक देश के साथ, वियतनाम, नाइजीरिया और भारत, इन तीनों में, और भारत को स्पेसिफिकली अल्पसंख्यकों के मामले में उन्होंने नाम लेके कहा था। और हमारे यहाँ से चूंकि हर मामले में हम एक फिर सफाई देने लगते हैं अपने मीडिया के जरिए, जो मीडिया हमारा लोकल है वो उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है कि मोदी जी ने उसको उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया टाइप। फिर इसी तरह की चीजें यूरोपीय यूनियन की तरफ से आई, इवन हम उनका प्रधानमंत्री भारत होके गए, और उसके बाद उनको संसद में, उनके अपने जो भी सदन है उसमें जवाब देना पड़ा, एक सांसद ने खड़े होकर उनसे पूछा। फिर उनके सरकार का जो स्टेटमेंट आया वो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि सुरक्षित और सीधा था, जिसमें वो सारी गलबहियां वगैरह उन्होंने भी समेट दी थी। तो ये समस्या जो कथित छवि विश्व गुरु की है, या एक महाबली की है, या एक कुछ अतिरिक्त है जो हमारे मीडिया द्वारा जनित है, ये तो ध्वस्त हो रही थी सब जगह। फिर जब जापान गए, जापान में वहां के स्थानीय अखबारों में कहीं कोई कवरेज ही नहीं था, वो जो भी वहां कवरेज था बाइडेन के आने का था। मोदी जी का चाह के भी, पूरा प्रयास करने के बावजूद भी, ड्रम और ढोल बजाने के बावजूद, और उसका मीडिया, यहाँ के मीडिया द्वारा पोंपो करने के बावजूद, वहां के अखबारों में सातवें छठवें पेज पे भी खबर नहीं थी, सिंगल कॉलम, या नहीं वहां के टेलीविजन वगैरह ने तो कवर ही नहीं किया इनको। इतनी उपेक्षा दुनिया भर में हो रही थी। वजह क्या है कि आप यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में झूठ बोलने की, 5 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन और फलाना, बाहर सब रोज रेगुलर आपके आंकड़े वहां एनालाइज हो रहे हैं। वहां के लोगों का जो आर्थिक मामलों की समझ है वो भारतीय लोगों की तुलना में 70% ज्यादा है, यूरोपियन यूनियन में, और अमेरिका में तो शायद उससे भी ज्यादा होगी। तो वो लोग ये समझते हैं कि आज जहां डॉलर 78.22 गया है, अगर ये 4 डॉलर और 4 रुपए और गिर गया तो हम लंका की हालत में होंगे। अरे, हमारी स्थिति झूठ बोलने और हफा बांधने और हमारे प्रधानमंत्री के किसी की गलबहियां कर लेने से और उसके फोटो यहाँ जारी कर देने से नहीं होने वाला है भाई। उनको मालूम है कि तुम 3 ट्रिलियन से भी कम हो। 2.02 छोड़ के मनमोहन सिंह गए थे, सारे झूठ बोलने के बावजूद 2.8, 2.9 के बीच कहीं झूल रहे हो। वो ना आंकड़े उनके पास हैं, वो पढ़ रहे हैं रोज, वो दुनिया के भी आंकड़े पढ़ रहे हैं, वो चीन बगल में है उसके आंकड़े पढ़ रहे हैं। तो वो इन इतनी बेसिक चीजों को जो हमारे यहाँ लोग नहीं जानते, वहां लोग जानते हैं, तो वो संभव हो ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ मीडिया ने उसको कुछ ऐसा रचा, अब झूठ का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया, उसकी सुरक्षा असंभव थी। कोई ना कोई ऐसी घटना होनी ही थी जिसमें जो कुछ हुआ वो आपके हमारे सामने है। वो बिल्कुल एनके सिंह साहब ने बहुत सही ढंग से और सरल ढंग से सबके सामने रख दिया कि नूपुर शर्मा जो है, हमें उस पर बहुत केंद्रित नहीं होना चाहिए, हमें सीधे आना चाहिए कि जो सत्ता प्रतिष्ठान इस समय का है, ये बिल्कुल भाड़े के सैनिक पैदा कर रहा है, और इन लोगों का कोई हमारे संविधान में कोई विश्वास नहीं है, किसी भी नियम कायदे में कोई विश्वास नहीं है,
और देश का विनाश भी हो जाए तो इनको पता ही नहीं है, बहुत सारे नीचे वाली पांत को तो, और ऊपर वाली पांत को जिनको पता है उन्होंने बाकी लोगों को लापता कर दिया है। कोई कहने वाला नहीं है, मंत्रिमंडल में खामोशी है, किसी की कोई जबान नहीं है। अनिल स्वरूप जी बहुत सीनियर IAS रहे हैं, आप हम जानते हैं उत्तर प्रदेश कैडर के ही हैं, और इस सरकार में कोयला वाला डिपार्टमेंट उन्होंने संभाला था। उन्होंने कहा कि एक कोई मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता PM उसे पूछे बिना, कोई एक लाइन का बयान जारी नहीं कर सकता। इस तरह का कब्जा किया, फिर इंस्टीट्यूशंस को एकदम सबको केचुए से भी नीचे गिरा दिया है, खत्म है। आपके कोर्ट्स क्या कर रहे हैं यार, आज बताओ हाई कोर्ट ने वो उसको अल्ट न्यूज वाले को एंटीसिपेटरी बेल देने से मना किया है, उसने क्या अपराध किया भाई? किसी भी बात पे आप मुकदमा लिख लेंगे और उस मुकदमे पे किसी को भी, मतलब जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसके पहले एक बुलंदशहर में एक कोतवाल को एक भीड़ ने, वो हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ थी, उसने पीट पीट के और उसी के रिवाल्वर से गोली से मार दिया था, उसमें कितने लोगों के घर गिराए गए थे, वो योगी जी का पिछला कार्यकाल था। नए कार्यकाल में अभी अयोध्या में इन्हीं की पुलिस ने कुछ लोगों को मस्जिदों और कब्रगाहों के सामने सूअर का मांस फेंकते हुए CCTV से पकड़ा, गिरफ्तार किया, उनमें से आपने किसके घर गिराए? और अगर आपने उनके पैगंबर के बारे में कुछ कहा है जिससे वो उत्तेजित हैं, जिसे आपको शांत करने की जिम्मेदारी है, उस पर अगर वो प्रतिरोध कर रहे हैं, सड़क पे उतरे हैं, ठीक है, जुमे के दिन निकले या वो नहीं निकलते, सभ्य तरीके से निकलते, वो सब अपनी जगह कहा जा सकता है, लेकिन आप उसके बाद क्या कर रहे हैं? तो ये बातें आज के दौर में एक मतलब एक टाइप करने भर से सारी दुनिया में पहुंच जाती है। तो कोई चीज छुप सकती है? अल जजीरा वगैरह इधर लगातार छील रहे हैं भारत के मामलों पर, पहले वो इतने कंसंट्रेट नहीं थे, अब यहाँ की हर घटना रिपोर्ट हो रही है। तो ये सारा जो ताश का महल है अब ये भरभरा के गिर रहा है, लेकिन इसके पीछे जो आर्थिक कारण है जिसको शायद ढकने के लिए इन चीजों को होने दिया जा रहा है, वो बहुत गंभीर है, वो बहुत बुरे हाल में है। और हमें उतनी सूचनाएं चूंकि बाहर नहीं आ रही है तो हमें नहीं पता कि दरअसल हो क्या रहा है। ऐसी पूरी संभावना है कि सुब्रमण्यम स्वामी की उस बात पर विश्वास किया जाए, क्योंकि उनके पिता देश के एक बहुत बड़े सांख्यिकीय अधिकारी रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि आंकड़ों की पूरी बाजीगरी हो रही है। वो 2.5% तो खैर जो GDP में किया था सो किया ही था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो भी आंकड़े आपके सामने बेरोजगारी या अपने GDP या उससे संबंधित पेश हो रहे हैं, इन पे किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता, इनमें सब में गलतियां हो सकती हैं। और जिस तरह से आपका बाजार टूट रहा है, जिस तरह से रुपया टूट रहा है, अभी जो हाल है, वो शंकाएं निर्मूल नहीं हो सकती। तो इन सारी चीजों को मिला जुला के देखना है। चूंकि नुपुर शर्मा वाले प्रसंग पर सिंह साहब ने बहुत ठीक ठाक से कह दिया, उसका रिपीटेशन करना कोई उपयुक्त नहीं होगा। दूसरे पैनलिस्टों से भी राय लीजिए।